जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत ही दुखद घटना की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट में फ्राइडे को आतंकियों के खिलाफ एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। वहीं पिछले महीने हुए पुंज अटैक में स्टिकी बॉम्ब और स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था, जहां आतंकियों द्वारा सेना के एक ट्रक को टारगेट किया गया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। उसी को ध्यान में रखकर आतंकियों के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें आतंकियों को बाहर निकालने के लिए ड्रोन, मेटल डिटेक्टर और स्निफर डॉग्स की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, जो अब पुंज और रजौरी डिस्ट्रिक्ट के 12 इलाकों तक फैल गया है। फ्राइडे को रजौरी के कांडी फॉरेस्ट में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर टोटा गली इलाके में पिछले महीने सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सुबह करीब 7:30 बजे सेना द्वारा एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सर्च टीम ने जल्द ही एक केव में घुसे आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन के दौरान टेररिस्ट ने रिटेलिएशन में एक एक्सप्लोजिव डिवाइस ट्रिगर कर दिया, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। लेकिन सेना ने अपने हाल ही के बयान में कहा है कि 3 और जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी कुल 5 जवान शहीद हो गए। और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ कैजुअल्टीज मिलिटेंट्स में भी हुई हैं। इस हमले के बाद आतंकवादियों का ग्रुप उस घने जंगल में छिपा रहा, लेकिन इस एक्सप्लोजन के तुरंत बाद ही एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अब तक सेना द्वारा उन आतंकियों को मार गिराया गया होगा और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं गुरुवार को एक गन बैटल में 2 आतंकी मारे गए थे, जिनके पास से 47 राइफल्स, 1 पिस्टल और गोला बारूद बरामद किए गए थे। इस एरिया में घने जंगल होने के कारण मिलिटेंट्स आसानी से छिप जाते हैं। आर्मी ने यह भी कहा है कि मिलिटेंट्स आजकल लोकल लोगों की मदद लेने लग गए हैं, जिन्हें टेररिस्ट द्वारा फंड किया जाता है। तो देखना होगा कि गवर्नमेंट और आर्मी इससे कैसे निपटती है। अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम उसे आप तक पहुँचाएंगे। जय हिंद।